Hello students, today we are going to start a new topic, that is chemistry of actinides. In today's video lecture, we are going to discuss the general introduction of actinides, its electronic configurations, its oxidation state, as well as actinide contractions. So students, start karte hain. Yes students, we are studying about chemistry of actinides. Theek hai? Chemistry of actinides. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो लैंथेनाइड्स पढ़े थे, ठीक है, तो लैंथेनाइड्स को आपने बोला था कि वो क्या है, एफ ब्लॉक के हैं. तो ठीक वैसे ही आपके पास जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो भी किससे बिलोंग करते हैं, एफ ब्लॉक जो ग्रुप होता है उससे बिलोंग करते हैं. और एफ ब्लॉक आपको पता है आपके पास कहाँ होता है, पीरियोडिक टेबल में जो नीचे के दो लाइन्स होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है आपके पास, एफ ब्लॉक. ठीक है, नाउ हमने जब इनको सेपरेट किया, तो सेपरेट किया तब आपने बोल दिया कि जो फर्स्ट लाइन थी आपके पास, ठीक है, वो तो क्या थी, लैंथेनाइड है. और जो आपके पास सेकेंड लाइन यहाँ पर है, ठीक है, दिस वन, ये जो आपके पास है, ठीक है, जिसको ब्लू लाइन से क्या किया गया है, ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट किया गया है, दैट वन इज द एक्टिनॉइड्स. अब देखिए, ये जो आपके पास एक्टिनॉइड्स हैं, आपने बोल दिया एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो हम बोल सकते हैं दैट ऑल्सो बिलोंग टू एफ ब्लॉक, ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक से ये क्या करती है, बिलोंग करती है. नाउ पोजिशन कहाँ है इसकी, पोजिशन बोले तो कहाँ है आपके पास, ये सेवंथ, ठीक है, ये क्या होती है, सेवंथ पीरियड में होती है पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, सेवंथ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल. पोजीशन हमने बता दिया एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है. अब देखिए, इसको हम एक्टिनाइड सीरीज क्यों बोलते हैं, तो देखिए जो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको पास फर्स्ट एलिमेंट दिस वन, ये क्या है, एक्टिनियम है. ठीक है, तो एक्टिनियम को फॉलो करते हुए जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स. ठीक है, तो सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स हैं, 14, सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स बिलोंग टू या विच फॉलो किसको फॉलो करते हैं, ये आपके पास एक्टिनियम को, विच फॉलो एक्टिनियम, उसको क्या बोला जाएगा, एक्टिनाइड सीरीज. एक्चुअल में जो आइड वर्ड होता है ये ऑक्सो, जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सी कंपाउंड, उनके लिए यूज किया जाता है, बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये नाम यूज नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको अब भी यूज कर रहे हैं. एक्चुअल में इसका नाम होना चाहिए एक्टिनॉइड्स. ठीक है, नाउ यदि हम इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो एफ ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही इसकी होगी. तो हमने एफ ब्लॉक के लिए क्या लिखा था कि भाई वो क्या होता है, एंटी पेलेंटिमेट सेल, मतलब एन माइनस टू सेल के अंदर होता है एफ. 14 क्या होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा सकते हैं, तो 1 to 14. ठीक है, देन आप क्या करते हो, एन माइनस वन, दैट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 0 to 1. ओके, और लास्टली आपके पास क्या होता है, NS2. ये हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसके लिए राइट डाउन की थी, ये हमने राइट डाउन की थी एफ ब्लॉक के लिए. तो एक्टिनॉइड एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो इसकी भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगी. यस, नेक्स्ट थिंग अबाउट एक्टिनॉइड इज दैट कि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं. ठीक है, मीन्स ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव. ठीक है, सारे क्या मिलेंगे आपके पास, रेडियो एक्टिव. ओके, नेक्स्ट थिंग अबाउट दीज आर दैट एलिमेंट्स विद ग्रेटर देन यूरेनियम, हम अभी देखेंगे कौन कौन से जो आपके पास होते हैं एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर, कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स.
क्या बोलेंगे उनको, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं आपके पास, ये नेचर के अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं दीज आर नॉट अवेलेबल इन नेचर, प्रिपेयर्ड इन लैब, दीज आर प्रिपेयर्ड इन लैब, दीज आर प्रिपेयर्ड इन लैब, ठीक है। तो एक्टिनोइड्स के बारे में हो गया कि भाई ये क्या होते हैं आपके पास, रेडियो एक्टिव होते हैं। और यदि हम बात करें कि 92 से ऊपर जितने भी एटॉमिक नंबर हैं, उनके उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, जो कि नेचर के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं, इनको लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, कि यदि हम इन एलिमेंट्स को नाम रखने के लिए, याद रखने के लिए कोई ट्रिक फॉर्म करें, तो वो हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट थिंग कि देखिए, जो आपके पास यहाँ एटॉमिक नंबर आता है, एटॉमिक नंबर एक्टिनॉइड्स के कहाँ से कहाँ तक होते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक डाई करते हैं, 89 to 103, जो कि आपके पास यहाँ पिक्चर ड्रॉ है उसके अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए, याद रखने के लिए इसको ट्रिक बनाते हैं हम, कि हम कैसे इसको याद रखेंगे। तो फर्स्ट देखिए, आपके पास यहाँ गिवन है, तो याद रखने के लिए ट्रिक आपके पास यहाँ हो जाएगी कि स्टार्टिंग में एक्टिनियम है, तो जैसे वहां पर लैंथेनाइड था, जो कि आपके पास एफ ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता था, लेकिन क्या था, एफ ब्लॉक के अंदर रखा जाता था, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मिलती थी एफ ब्लॉक से। ऐसे ही एक्टिनियम जो है वो एफ ब्लॉक का नहीं है, ठीक है। उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में नहीं जाता, लेकिन इसको फिर भी हम किसके साथ रखते हैं, इन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है इनसे, ठीक है। अब इस पूरी सीरीज को एक्टिनाइड सीरीज बोला गया है, किसकी वजह से, इस एक्टिनियम की वजह से, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है वो किसको फॉलो कर रहे हैं, एक्टिनियम को, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आपके पास ट्रिक हो जाएगी, टीएच के लिए हम बोलेंगे थोड़े, ठीक है, पीए से बनेगा आपके पास पहलवान, थोड़े पहलवान, यू से बनेगा आपके पास उनसे, एनपी का हो जाएगा निपटेंगे, ठीक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। देन आपके पास दूसरा याद रखने के लिए क्या होगा, दूसरी लाइन में आप इसको रखेंगे, पुराने आम कम बिके, एक ट्रिप भी यहां तक हो गया। नेक्स्ट जो आपके पास आता है, दैट इज CF, ठीक है, उसके लिए बोलोगे कॉफी, ES मतलब ऐसे, FM मतलब फरमाओ, फरमाओ, दिस इज फरमाओ, कॉफी ऐसे फरमाओ, MD मतलब मैडम, NO मतलब ना, और LR मतलब ले, ठीक है। आपको कॉफी ऐसे फरमानी है कि मैडम ना ले, ओके। तो आपके पास जो ट्रिक होगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास ट्रिक है थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। यहां तक एक याद रख लिया, उसके बाद क्या याद रखोगे, पुराने आम कम बिके, एंड फिर क्या हो जाएगा, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम ना ले, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम ना ले, ठीक है। ये आपके पास हो जाती है एक्टिनॉइड्स को याद रखने के लिए ट्रिक, ठीक है। तो आपके पास हमने क्या बोला, 15 एलिमेंट हो गए इसके अंदर, एक्टिनियम जो है वो इनको फॉलो करता है, एक्टिनाइड सीरीज है ये। नेक्स्ट आपके पास आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स, ठीक है। हम एक्टिनाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, लाइक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनकी डेंसिटी को, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं, फर्स्ट किसको डिस्कस करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट को और उनके बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। तो देखिए, जब हम सीरीज लिखते हैं आपके पास किसकी, लैंथेनाइड्स की, एक्टिनॉइड्स की, तो आपके पास क्या आता है, एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, फिर हम क्या बोलते हैं, थोड़े
पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करते हो, आगे तक जाते हो, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नाले। ठीक है, तो यदि हम उनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है एक्टिनियम का, पहले मेल्टिंग पॉइंट राइट डाउन करते हैं 817, थोरियम का आपके पास होता है 750, देन प्रोमीथियम है इसका है आपके पास 1552, यूरेनियम का है आपके पास 1130, निपोडियम है उसका आपके पास है 640, पीयू का आपके पास है अगेन 640, अमरीशियम है आपके पास 110, सीएम का है आपके पास 340। ठीक है, ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बीके का, बीके क्या है आपके पास 986। ओके, और कॉफी मतलब 900 और इसका है आपके पास 860। ओके, और जो इनका आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 2470, ज्यादा आपके पास जो है गिवन नहीं है, 2487, 4850, 4227, देन आपके पास है 3930, देन 5235, 640 का के साथ जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है पीयू का, ठीक है, दैट इज 3230 एंड देन 2600। ठीक है, बाकी का जो है आपके पास गिवन नहीं है। नाउ देखिए, क्या आपको यहाँ पर कोई रेगुलर ट्रेंड दिखाई दिया? ठीक है, आप एक्टिनियम से लेके नीचे तक आते हो जहां तक आपके पास एक्टिनाइड सीरीज है, तो कोई रेगुलर ट्रेंड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं नो रेगुलर ट्रेंड, नो रेगुलर ट्रेंड, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्टिनाइड्स इज हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लैंथिनाइड्स की तरह इनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट ट्रांजिशन मेटल के कंपैरिजन में क्या होता है, लो होता है, बट लोअर देन दैट ऑफ किसके, ट्रांजिशन मेटल। इसमें भी रीजन वही है, क्योंकि देखिए जो 5f ऑर्बिटल होता है वो हालांकि वो अंतर के साथ बरीड होता है, 4f के कंपैरिजन में वो इतना अंदर बरीड नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कहाँ है, इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जा रहे हैं, n-2 में जा रहे हैं, दैट्स वाई बॉन्डिंग तो वो ज्यादा अच्छी होने वाली नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है रेगुलर ट्रेंड भी शो नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ जो है हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो है शो कर रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपके पास है दैट इज डेंसिटी, किसकी, ऑफ एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो एक्टिनाइड्स की यदि आप डेंसिटी देखो, तो इसको हम टेबल से समझेंगे कि सपोज कीजिए आपके पास स्टार्टिंग कहां से होती है, दैट इज एक्टिनियम से स्टार्टिंग होती है, देन थोड़े, आप इसको बार बार रिपीट करेंगे सीरीज को, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नाले। ठीक है, तो जो डेंसिटी गिवन है वो आपके पास कुछ एलिमेंट्स की यहाँ पर लिखी हुई है, उसको हम लिखेंगे डेंसिटी इन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हम उसको देख रहे हैं डेंसिटी को। तो देखिए डेंसिटी क्या क्या है, एक्टिनियम की यदि डेंसिटी देखी जाए तो दैट वन इज 10.0, देन 11.72 थोरियम की, देन नेक्स्ट पीए की है आपके पास 15.37, देन आपके पास है 19.10, नेपच्यूनियम की है आपके पास 24.45, देन 19.73, देन आपके पास है 13.72, देन सिमेरियम है आपके पास दैट इज 13.50। ओके, और सीएफ की दे रखी है आपके पास, ये जो है आपके पास इस तरह से डेंसिटी गिवन है। तो इस टेबल से आपके पास क्या कंक्लूजन आता है, देखिए पहले 10 है, 11 है, 15 है, 19 है, 20 है, इंक्रीज हुई, देन 19, 13, 13, कितना डिफरेंस आ गया 19 to 13। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास, यहाँ आप क्या देख पा रहे हो कि जब आप डेंसिटी देखते हो यूरेनियम के पास, ठीक है, यूरेनियम के आसपास, तो वहां डेंसिटी क्या है, हाइयर है, हाइयर है,
ठीक है, नियर टू हाईएस्ट, तो आप यहां लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर हाइयर नियर यूरेनियम, नियर यूरेनियम किसके पास हाइयर है, यूरेनियम के पास हाइयर है। ओके, और जो अमरीशियम यहां पर गिवन है, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो लैंथेनाइड्स जैसे, लैंथेनाइड के केस में जैसे ईयू के केस में थी, वैसे यहां एकदम से क्या है, लो है, तो इसकी क्या है, सबसे लोवेस्ट। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, अमरीशियम हैविंग, ठीक है, अमरीशियम हैविंग लोवेस्ट डेंसिटी। ओके, उसकी डेंसिटी जो है मोस्टली क्या होती है, अमरीशियम की भी और सीएम की भी, उनकी डेंसिटी सबसे यहाँ पर लोअर होती है, एंड इट इज लेस डेंस देन इट्स नेबर। ठीक है, यदि हम इसके नेबर्स की बात करें तो उनसे क्या है, ये आपके पास लेस डेंस है। ओके, तो ये था आपके पास डेंसिटी, कोई रेगुलर ट्रेंड इसके अंदर भी नहीं है, हालांकि नीचे की साइड और क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब नीचे की साइड नहीं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होता है, बट फिर क्या है, कुछ एक्सेप्शनल आ गया लाइक अमरेशियम, फिर वो लो शो करने लगता है, लेकिन यूरेनियम के पास हाइयर, यूरेनियम के आसपास जो है वो हाइयर डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एक्टिनाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक configuration of actinides, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्टिनॉइड्स की लिखनी है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर किस कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, वो लाई करते हैं 89 से 103, ठीक है, 89 टू 103 इनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी एक्टिनाइड्स हैं उन सभी का नाम यहाँ पर लिख लेते हैं, वो है कैसे याद है, वो हमें सीरीज के थ्रू याद है, क्या क्या नाम थे आपके पास, आपके पास एलिमेंट स्टार्ट होते हैं कहाँ से, एक्टिनियम से, ठीक है, फिर क्या आता है आपके पास, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, फिर क्या था आपके पास, पुराने आम, देन क्या आ जाता है आपके पास, कम बिके, ठीक है, पुराने आम कम बिके, फिर आपके पास आता था कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम ना ले, ठीक है, तो लॉरेंशियन तक हमें जाना है। ओके, तो आपके पास 15 एलिमेंट्स है, आपको ये पता है। नाउ एटॉमिक नंबर लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर स्टार्टिंग होती है 89, then 90, 91, 92, then 93, 94, then आता है 95, उसके पास 96, 97, 98, 99, 100, 101, 2 and 103, ठीक है, आपका एटॉमिक नंबर भी कंप्लीट हो गया है। हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो देखिए 89 आया है आपके पास फर्स्ट, ठीक है, 89 के पास जो आपके पास नोबल गैस आती है, ठीक है, तो वो कौन सी आती है आपके पास, पीछे लेंथेनॉइड में आई थी जीनोन 54, क्योंकि वहां 57 से स्टार्टिंग थी, यहाँ 89 है, इसका मतलब आपके पास आएगा रेंडोन, ठीक है, रेंडोन आता है आपके पास जो कितना होता है आपके पास 86 होता है, ठीक है, तो सभी के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, रेंडोन। ओके, तो नोबल गैस हम यहाँ पे यूज करेंगे रेंडोन। ओके, लिख लिया हमने रेंडोन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपके पास 5F के अंदर। ओके, देन 5F के बाद 6D एंड 7S। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्नल जो आपने लिखी उसमें आपने कहा N-2F के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने हैं 1 से लेके 14, N-1D के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने हैं 0 to 1, और NS2 के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने हैं 2। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि भाई हमें बिना देखे एस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स 2 फिल कर देने हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। नाउ आपने क्या कहा कि जो रेंडोन है, उस जो नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर 86 है, तो 86 और 2 आपके पास हो गई 88,
एट। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है क्या वो एफ में जाए या डी में जाए, तो हमने कहा एक्टिनियम एफ ब्लॉक का नहीं है, इट मींस वहां जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ में नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा आपके पास, वहां इलेक्ट्रॉन जाने वाला है आपके पास डी के अंदर, ठीक है। तो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन गया तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। नेक्स्ट का लिखते हैं हम रेंडोन, ओके 86 इसका एटॉमिक नंबर, देन 5F, देन 6D एंड देन 7S। नाउ देखिए 7S के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए कितने, 2, ठीक है, तो 86 और 2 88 हुए। उसके बाद बात आती है 5F के अंदर इलेक्ट्रॉन डालेगा या 6D के अंदर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ आप एक बात याद रखेंगे कि जब तक आप F के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं डालते हैं तब तक 5F एंड 6D की जो आपके पास एनर्जी होती है, एनर्जी जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, उसकी इक्वल होती है। तो जो यहाँ पर जो थोरियम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या गिवन है आपके पास, ये जो थोरियम गिवन है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, उसकी दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, ठीक है। या तो आप F के अंदर इलेक्ट्रॉन मत डालिए या F के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, ठीक है। सपोज यदि आपने F के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं डाला है तो उस केस में आपके पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, D के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। D के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और F क्या हो सकता है, 0। लेकिन यदि आपने क्या कर दिया है, D के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं डाला और F के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो उस केस में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 5F1, 6D1 एंड 7S2। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास जो 5F और 6D है उन दोनों का एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन 5F में भी जा सकता है और 6D में भी जा सकता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हो सकती है। या तो आप 5F0, 6D2, 7S2 कर दीजिए, वो भी सही है, या हो सकता है आप ऐसे भी लिख सकते हो 5F1, 6D1 एंड 7S2, ठीक है, ओके। नाउ जब आपने इलेक्ट्रॉन डाल दिया किसके अंदर, F के अंदर, तो जो आपके पास 5F वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना आपके लिए क्या हो जाता है, इजियर हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजीली डाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब हम थर्ड के अंदर डालेंगे, जब यूरेनियम करते हैं, ठीक है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन, सॉरी यूरेनियम नहीं, पीए जो आपके पास है पहलवान के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपके पास F के अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हैं, दैट आर हियर 2, ठीक है। F में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने डलेंगे, यहाँ पर डलेंगे आपके पास 2, एंड जो 6D है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डलेगा 1, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट यूरेनियम है। तो देखिए यूरेनियम का हम क्या करेंगे, यूरेनियम में रेंडोन लिखा, 86 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए, 5F, 6D एंड 7S। S के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन पता है आपने 2 फिल करना है, बट आपके पास अब क्या आ जाता है, अब आएगा F का, तो F के अंदर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो डलेंगे यहाँ पर 3, ठीक है, 1, 2, 3, और यहाँ पर आपके पास D के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाता है 1। देखिए हम जो आपके पास नेपच्यूनियम है, ठीक है, ए, और ये जो आपके पास पी यू गिवन है, यहाँ तक 6S, सॉरी 5F और 5D 6D के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स है वो इन दोनों में से किसी के अंदर भी जा सकता है, तो इन दोनों के एनर्जी गैप के कारण D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाने लग रहा है, ओके। बाद में क्या होगा, एनर्जी गैप बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स D में नहीं जाएगा, 5F देन 6D एंड 7S लिख दिया हमने, 7S के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, देन आपने किसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना है, F के अंदर इलेक्ट्रॉन डालना है, तो F के अंदर इलेक्ट्रॉन डले 4, ठीक है, नेपच्यूनियम में 4 डल गए, सॉरी एफ के, नेपच्यूनियन के एफ के अंदर एक डला और फिर 6D1। काउंट कर लेंगे हम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसमें, देन 5F, 6D एंड 7S, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कीजिए, 7S2। नाउ PU आपके पास यहाँ है, तो PU के अंदर D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डलता है और आपके पास जो F है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डलता है 5, ओके। नेक्स्ट वन जो है आपके पास अमरीशियम, इट विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5F, 6D, 7S, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन तो आपने डाले किसके अंदर, S के अंदर, 86 हो गए, आपको कितना करना है, 95 करना है, ठीक है। अब 95 के लिए 86 में कितना ऐड कर दिया जाए, 7, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ यह याद रखेंगे आप, हियर दिस वन इज 7 और जो आपके पास D है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे 0, ओके, दिस वन इज हियर 0। नाउ सिमेरियम,
सीमेरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो देखिए सभी में आपको क्या करना है, नोबल गैस लिखना है। एक बार मैं क्या कर दूं, इनका बेस लिख देती हूं, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। सभी में रेडोन है, ठीक है। तो सभी के अंदर हमने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखी पहले, रेडोन है, अगेन आरएन, अगेन यहाँ पे रेडोन और अगेन यहाँ पे नोबल गैस लिख दी है। नाउ यहाँ पर किस किस के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5F में, देन 6D में, फिर 7S में, फिर 5F के अंदर जाएंगे 6D, 7S, दिस वन इज S, नॉट लाइक 5, ठीक है। तो ये आपके पास है 6S, तो यहाँ पर 5F, 6D, 7S, देन अगेन 5F, 6D, 7S, 5F, 6D, 7S, 5F, 6D, 7S is here. Okay. Now, next क्या है आपके पास? Next के अंदर भी आप ऐसे लिखेंगे, 5F है, 6D है, 7S है, और last में फिर लिख देते हैं 5F, 6D, 7S. Okay. अब आपको सबको पता है, S को तो आपको फिल करना ही है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन काउंट करके जो है इनमें भी फिलअप करेंगे। ओके, अमरेशियम तक हो गया था, उसके बाद सी एम है आपके पास, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके पास सी एम के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो आते हैं आपके पास यहाँ 7, ठीक है। उसके बाद आएंगे 9, देन आपके पास आएगा 10, 11, 12, 13, 14 और लास्ट में 14 जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। डी लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपके पास जो 7 फर्स्ट ऊपर था सी एम, उसके अंदर भी 1 आएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते जाइए, जर्नल आपको बता दिया है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, कैसे आप इनको याद रखोगे। एक तो आपने यहाँ पर एफ सिक्स नहीं लिखना है, ठीक है। आपने क्या नहीं लिखना है, एक तो आपने यहाँ पर F6 नहीं लिखना है और दूसरा आपने F8 नहीं लिखना है। जैसे लैंथेनाइड की सीरीज में F2 और F8 नहीं लिखा था, वैसे ही आपको यहाँ पर F6 और F8 जो है उन दोनों को यहाँ नहीं लिखना है। बाकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, आपके पास कहाँ से कहाँ तक, F1 से लेके इन दोनों को छोड़कर F14 तक क्या आएगी, लगातार आ सकती है। F1 हो भी सकता है या F0 भी हो सकता है, वो पॉसिबल है आपके पास। थोरियम के केस में बता दिया है रीजन क्या है, 5s एंड 6d, ठीक है। और आपको ये भी बता दिया है कि जब तक आप कहाँ तक आते हैं, जब तक आप यहाँ से लेके एक्टिनियम से लेके नेपच्यूनियम तक आते हैं, तो उसका इसमें क्या है, आपके पास डी के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे, नॉट नेपच्यूनियम, पीयू तक, ठीक है। एक्टिनियम टू पीयू तक आते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डी के अंदर जा रहा है, ठीक है। उसका रीजन ये है क्योंकि डी की एनर्जी और 5F की एनर्जी का क्या है, गैप बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इजी सी ट्रिक है कि आप इसको क्या करोगे याद रखने के लिए, जो F6 और F8 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करोगे। दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, या आप कह सकते हो आयनिक रेडियाई एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, आपने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, ओके, ऐसे ही आपके पास क्या होता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में आप बोलते हो कि जब विद इन द सीरीज जब आप लैंथेनम से लुटेनियम तक जाते हो तो उस टाइम क्या होता है, साइज के अंदर रेगुलर डिक्रीज होता है, ठीक है। उसको आपने क्या बोला था, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सेम ऐसे ही क्या होता है आपके पास, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होगा, साइज के अंदर रेगुलर डिक्रीज। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की, the steady decrease in ionic radii with increase in atomic number, with increase in atomic number, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है is called एक्टिनाइड
कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ इस फिगर के अंदर क्या है आपके पास, यहाँ राइट डाउन की गई है इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक रेडियाइज है, आयनिक रेडियाई, सॉरी नॉट एटॉमिक, दीज आर द आयनिक रेडियाई। हमने जो है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन थ्री स्टेट के अंदर सभी एक्टिनॉइड्स की साइज को पिकोमीटर के अंदर लिखा है। ठीक है, पिकोमीटर के अंदर लिखा है। तो जब आप थोरियम को देखते हैं, ठीक है, थोरियम, क्योंकि एक्टिनियम तो है नहीं एक्टिनाइड सीरीज का, ठीक है, तो आपके पास थोरियम से स्टार्टिंग होती है। तो थोरियम से हमने देखा 109 है, फिर जो आपके पास पीए आता है, ठीक है, दैट इज प्रोटेक्टियम, ठीक है, उसकी 108 होती है, यूरेनियम की 107 है, देन नेपच्यूनियम है, नेपच्यूनियम की 106 आती है, ठीक है, देन प्लूटोनियम है जिसकी 105 है, अमरीशियम जो है उसकी कितनी शो कर रखी है, उसकी शो कर रखी है आपके पास 104 पिकोमीटर, शुरियम जो है 103 है, ठीक है, ऐसे ही बीके की 102 है, सीआर कैलिफोर्नियम उसकी क्या है आपके पास 101 है, आइंस्टीनियम आपके पास 100 है, ओके, यहाँ देन आपके पास क्या आता है एफ एम दैट इज फेरियम उसकी 99, देन एम जी थ्री पॉजिटिव है दैट इज मैंडेलमिनियम उसकी क्या है 99, देन एनओ है नोबिलियम, एंड लास्ट में जो आपके पास लॉरेंशियम है उसकी क्या है 98। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ ये देखा कि जब आप विद इन द सीरीज गए हो, ठीक है, विद इन द सीरीज जब आप गए हो तो जो साइज है, साइज के अंदर क्या हो रहा है आपके पास, साइज क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, साइज क्या हो रही है आपके पास, डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज भी कैसे हो रही है, रेगुलर डिक्रीज हो रही है, ये नहीं है कि बीच में कहीं इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज, एक रेगुलर डिक्रीज यदि आपको मिलता है, ठीक है, आप क्या बोलोगे, रेगुलर डिक्रीज, रेगुलर डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई, उसको क्या बोला जाता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन देखते हैं क्यों होता है ऐसा, देखिए जब आप क्या देखते हो, न्यूक्लियस से एक्टिनाइड सीरीज जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स देखते हो कि कैसे आपने फिल किए हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि कैसे हमने उनको फिल किया है। दिस वन इज द थर्ड वन, ओके, दिस वन इज 3s, देन आपके पास आएगा 4s, देन 5s, 6s और लास्ट क्या है आपके पास 7s, ठीक है, लास्ट में आपके पास क्या है n नंबर, n जो यहाँ पर आया है आपके पास 7s, देन n माइनस 1 जो है यहाँ पर वो क्या है आपके पास 6d है, देन आपके पास n माइनस 2 वो क्या है आपके पास 5f है, ठीक है, 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन डाले हैं आपने एक्टिनियम, और आपको पता है 5f मतलब f ऑर्बिटल क्या है आपके पास डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, ये क्या होता है डिफ्यूज होता है, एंड मोर डिफ्यूज देन 4f, मोर डिफ्यूज देन 4f, 4f से भी ज्यादा डिफ्यूज होता है, तो मतलब मैं ये कहूं कि आपके पास यहां क्या है 4f ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और उसके अंदर हमने क्या डाला है, उसके अंदर हमने यहाँ क्या डाल दिया, इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। नाउ आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ लास्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है, उसे 5d के अंदर प्रेजेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। अब देखिए आपको क्या करना है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको कहाँ तक पहुंचाना है, आपको पहुंचाना है आउटर मोस्ट सेल तक, सो दैट कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे, ठीक है, साइज के अंदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अब आपने बोल दिया कि जो भाई एफ ऑर्बिटल है, जो यहाँ पर एफ ऑर्बिटल है वो डिफ्यूज्ड है, डिफ्यूज्ड होने की वजह से इट विल क्रिएट लेस शील्डिंग, ठीक है, ये क्या करेगा, कब शील्डिंग करेगा, यदि शील्डिंग कम करेगा मीन्स न्यूक्लियर चार्ज कैन इजिली अप्रोच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और यदि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अप्रोच कर जाता है तो वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, और यदि अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली साइज क्या होगी आपके पास, डिक्रीज होगी, ठीक है, यही रीजन है इसके अंदर कि भाई साइज जो है वो डिक्रीज होती है। तो मेन रीजन आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेन रीजन हम यहाँ पर लिखेंगे
पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F ऑर्बिटल, एंड दूसरा क्या है, हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज वहां क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो बढ़ेगा तो उसी की वजह से क्या होती जाएगी, साइज छोटी होती जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड्स। देखिए जो एक्टिनॉइड्स हैं उसके अंदर यदि हम बात करें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है, यदि हम बात करें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो होती है प्लस थ्री, जैसे लैंथेनॉइड्स के केस में होती है वैसे ही। बट दे ऑल्सो शो, यहाँ पे आपने बोल दिया कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपके पास क्या हो गई है, प्लस थ्री होती ही है, ठीक है, सभी दिखाएंगे प्लस थ्री तो। बट दे ऑल्सो शो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट और दिखाई जा सकती है, दे कैन शो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, दे कैन शो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे कैन ऑल्सो शो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट और प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो की जा सकती है, रीजन यही है, क्योंकि रीजन क्या है इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का, कि 6s जो आपके पास क्या होता है 6d एंड 5f ऑर्बिटल जो होते हैं उनका एनर्जी का गैप क्या होता है, कम होता है, ठीक है, ये इसका रीजन होता है। नाउ देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से एलिमेंट्स जो है शो करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, प्लस थ्री की करेंगे, लेकिन आपके पास सबसे पहले सबसे जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई जाती है दैट इज प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए ठीक है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कौन कौन दिखाएगा आपके पास, फर्स्ट जो है आपके पास इट इज रेयर, ठीक है, ये नहीं है कि ये कॉमन हो, हमने क्या बोला था कॉमन तो प्लस थ्री है तो हम बोलेंगे इट इज रेयर, ये आपके पास क्या है कम ही मिलती है, एंड शोन बाय कौन कौन से एलिमेंट्स इसको जो है दिखाएंगे, वो दिखाएंगे यहां पर अमरेशियम, ठीक है, क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, देन आता है आपके पास एमडी, मेंडेलिनियम एंड लास्ट वन इज मोलिबिनियम, ठीक है, ये जो है मोलिबिनियम, ये सारे क्या करते हैं आपके पास, ये सभी के सभी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे दिखाते हैं, यस हम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट को समझते हैं, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से एलिमेंट जो है वो शो करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम जितने भी आपके पास एलिमेंट्स उन सभी को लिख लेते हैं, कहाँ से स्टार्टिंग होती है, एक्टिनियम से स्टार्टिंग होती है, देन आप क्या लिखते हो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है, निपटेंगे पुराने आम, कम बिके कॉफी, ऐसे फरमाओ मैडम ना ले, ठीक है, ये आपके पास थी, ओके। और इन सभी के अंदर मैं पूरी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो राइट डाउन नहीं करूंगी, मैं ओनली यहाँ पर क्या लिखती हूँ, मैं ओनली यहाँ पर लिखूंगी आपके पास इनकी एफ डी एंड एस ऑर्बिटल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है एफ ऑर्बिटल, लेकिन एक्टिनॉइड्स के अंदर तो वो प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है, तो एक्टिनॉइड्स के अंदर वो प्रेजेंट नहीं है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है, थोरियम से एफ ऑर्बिटल, मैंने सभी के लिए जो है पहले राइट डाउन कर देती हूँ, ठीक है, ये एफ ऑर्बिटल, इसके लिए भी एफ ऑर्बिटल, दिस वन इज एफ एंड एफ, उसके बाद आप किसमें इलेक्ट्रॉन डालते हो, डी के अंदर, तो ये लिखा यहाँ पर डी डी, ये भी इसके लिए डी हो गया, ये सभी के लिए हमारे पास क्या है डी ऑर्बिटल्स है, डी कौन सा ऑर्बिटल है यहाँ पर, डी यहाँ पर है 6d, ओके, और लास्ट में आपके पास क्या आता है एस ऑर्बिटल, ठीक है, तो सभी का है एस ऑर्बिटल,
एस ऑर्बिटल सभी के केसेस में प्रेजेंट है, और एस के अंदर सभी के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये सभी को पता है। तो हम इसको सबसे पहले फिल कर देते हैं कि भाई टू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर सभी के केसेस में टू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाउ आप क्या देखते हो कि जब आप यहाँ आते हो एफ के अंदर, तो एक्टिनियम के अंदर तो एफ ऑर्बिटल होता नहीं है, थोरियम में यहाँ पर जीरो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। उसके बाद वन सॉरी टू, देन आपके पास थ्री, देन फोर, फाइव, सिक्स नहीं लिखना है क्योंकि हमने बोल दिया था एफ सिक्स नहीं लिखना होता है और एफ एट हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सिक्स की जगह सेवन आ गया, ठीक है। देन आपके पास एट आता तो सेवन अगेन, फिर नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, 14 एंड 14, ठीक है। अब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आती है, तो देखिए जो डी होता है उसके केस में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हो, सबसे पहले एक्टिनियम में तो होता है जो स्टार्टिंग के कहाँ तक आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, एनपी तक, ठीक है। एनपी तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी में डी के अंदर क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जाता है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद रखने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो पी यू होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या आएगा, जीरो, अमरीशियम भी जीरो, कैलिफोर्नियम जो है वो वन आएगा, उसके बाद सभी जो है वो क्या आ जाएंगे आपके पास डी के अंदर जीरो, एस कैप जो आपके पास एक्स कैप जो लास्ट में वन है। ओके, ये हो गई उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने याद की थी। अब देखिए यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है कि कौन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इजिली शो कर सकता है। देखिए यदि प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, हमने क्या क्या बोला था, कौन कौन से एलिमेंट्स शो कर सकते हैं, मैं इनको साइड में लिख देती हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स शो कर सकते हैं। हमने बोला था या तो दिखाए आपके पास अमरीशियम भी दिखाता है, वेरी गुड, अमरीशियम दिखाएगा, कैलिफोर्नियम दिखाएगा, ठीक है, सॉरी स्क्यूरियम दिखाएगा, एंड दिस इज कैलिफोर्नियम, दिस इज एंड आइंस्टीनियम, फिर आपके पास आता है एम डी, ठीक है, और लास्ट में आता है आपके पास एनओ नोबेलियम। ये जो एलिमेंट है ये सभी के सभी क्या करते हैं, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये हमने बोला है। देखिए इन सभी को हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन है आपके पास, अमरीशियम, ठीक है, दिस वन, ओके, देन सी एम ये भी है, देन कैलिफोर्नियम है, ओके, देन आपके पास ई एस है, देन एम डी है, एंड देन आपके पास एनओ है, ये दिखाते हैं। तो इनके केसेस में आप क्या करते हो, थ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके देख लिए क्या वहां पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचती है, टू इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, सॉरी टू इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या वहां स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचती है। सबसे पहले देखते हैं अमरीशियम, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, अमरीशियम की है, ठीक है। तो इसके अंदर से यदि ये दो इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दिया जाए, प्लस टू कर दिया जाए यहाँ, तो अमरीशियम प्लस टू स्टेट में क्या रह जाएगा, अमरीशियम प्लस टू स्टेट में क्या हो जाएगा, एफ सेवन, मतलब क्या हो गया आपके पास, हाफ फिल्ड। क्लियर है, ये क्या हो गया आपके पास, हाफ फिल्ड हो गया है, ठीक है, ये आपके पास हाफ फिल्ड हो गया है। नाउ नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके पास, सी एम, ठीक है। सी एम जो है उसके अंदर से यदि हम क्या करें, ये टू इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें, तो ये भी क्या है आपके पास, एफ सेवन बचता है और डी एट वन बचता है, ठीक है। तो यहाँ भी यह है आपके पास हाफ फिल्ड जैसी कंडीशंस ही आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, पर ये क्या कब अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है हाफ फील्ड को, दैट्स वाई ये स्टेबल है, ओके। उसके बाद जो है सी एफ है, उसको भी क्या बोला है इसने कि ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। मोस्टली यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, लेकिन ये भी दिखाता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल नहीं होती है ये, ठीक है। देन आपके पास आता है ई एस, ठीक है, ई एस भी क्या करता है, यहाँ से प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देता है, ठीक है, यहाँ से प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट में आपके पास मोनोबिडम सॉरी एम डी है, और दूसरा क्या है एनओ है, ये भी क्या करते हैं, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो लास्ट में जो एनओ है उसने क्या कर लिया, फुल्ली फील्ड एफ ऑर्बिटल। तो यदि ध्यान से देखा जाए तो आप ये बोल सकते हो कि आपके पास एक तो जो अमरीशियम है, ठीक है, और एक दूसरा क्या है एनओ है, ये तो प्लस टू स्टेट के अंदर काफी स्टेबल है, ठीक है, यही बोल सकते हैं हम, दीज आर वेरी स्टेबल, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये तो क्या हो जाएंगे आपके पास, वेरी स्टेबल इन, वन से मिनट, दीज आर वेरी स्टेबल इन, वेरी स्टेबल इन प्लस टू
ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या है, अमरीशियम तो क्या हो जाए आपके पास, जैसे आपके पास यूरोपियम और इट्रियम था उसी तरह से यहां पर क्या है, अमरीशियम 2 प्लस एंड एनओ 2 प्लस। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके अंदर, इन एक्टिनाइड्स। तो आपने क्या बोला था कि प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी आपके पास, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट थी एक्टिनॉइड्स के अंदर, जैसे आपके पास किसमें होती है, लैंथेनॉइड्स के अंदर होती है। मोस्टली ये जो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा कॉमन पाई जाती है वो किसमें देखेगी, देखिए आप सबसे पहले यदि देखना चाहें तो यहाँ पर लास्ट में लॉरेंशियम जो है, ठीक है, एल डब्ल्यू लॉरेंशियम के केस में भी, और साथ ही साथ यहाँ पर किसमें, सी एम के केस में, ठीक है, और एक आता है आपके पास किसमें, यहाँ फर्स्ट एक्टिनियम के केस में, इन तीनों में तो ये मोस्ट स्टेबल है ही, इन तीनों में ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि लॉरेंशियम जो है वो तो क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड, सी एम जो है आपके पास वो क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड, और जो एक्टिनियम है वो क्या हो जाएगा, एम्पैटी। तो ये तीनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस केस में तो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती ही है। साथ ही साथ यदि आप और दूसरे जितने भी देखेंगे एक्टिनाइड्स, तो उन सभी के केस में जो ये प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या है आपके पास, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ओके, और देखिए जो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें वन मोर थिंग अबाउट इट कि यहां पर जो प्लस 3 आयंस फॉर्म हुए, ठीक है, लाइक आपके पास एक्टिनियम 3 प्लस, थोरियम प्लस 3, पी प्लस 3, यू प्लस 3, इस तरह से जो फॉर्म होते हैं, तो आउट ऑफ प्लस 3 आयंस, आउट ऑफ प्लस 3 आयंस यहां पर जो यूरेनियम 3 पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, रेडली ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज इन By air, ठीक है, एयर के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाता है, और मोर स्लोली बाय वाटर, और मोर स्लोली बाय वाटर, ठीक है, एयर से तो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, वाटर से ये धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। ये बात आप जो है यूरेनियम के कटायंस के बारे में याद रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ ये भी है कि प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे दिखाएंगे, यहाँ एक्सेप्शन क्या है, जो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम दिखाने की जो है गुंजाइश रखता है वो है थोरियम और साथ ही साथ पीए, ठीक है, तो ये जो है आपके पास प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कम दिखाते हैं, ये एक्सेप्शंस में आते हैं। ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, ये दिखाएंगे आपके पास प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट आती है आपके पास, क्योंकि हमने कहा है ये प्लस 4 भी दिखाता है, प्लस 5 भी दिखाता है, प्लस 6 भी दिखाता है, प्लस 7 भी दिखाता है, ठीक है, तो हम सभी को देखेंगे प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी अभी मैंने बताया था जो प्लस 3 के अंदर एक्सेप्शंस थे, ठीक है, वो क्या थे आपके पास, वो दोनों ही आपके पास यहाँ पर थोरियम एंड पीए, ठीक है, इन दोनों के अंदर ये जो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये क्या होती है, कॉमन होती है, ठीक है, स्टेबल होती है इसके लिए, ठीक है। साथ ही साथ यदि आप बात करें किसके लिए हो सकती है ये स्टेबल, कटायन ऑफ एक यहाँ पर क्या होगा आपका, थोरियम के लिए सबसे ज्यादा कॉमन होगी। यदि हम कटायन देखें किसका, कटायन ऑफ प्रोमीथियम का, ठीक है, या लाइक आपके पास क्या हो जाए, P4 पॉजिटिव, या फिर यूरेनियम का हो, नेपेचियम का हो, नेपचूनियम, और या फिर आपके पास BK का, इन सभी के जो कटायंस होते हैं वो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल होते हैं, और कब होते हैं, इन सॉल्यूशन ओनली, इन सॉल्यूशन ओनली, ठीक है। नाउ यहाँ दो और चीजें हैं आपके पास कि जो आपके पास एक अमरीशियम एंड दूसरा है CM, ठीक है, ये दोनों भी क्या करते हैं, प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन इन कॉम्प्लेक्स फ्लोरो, ठीक है, और कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन इन कॉम्प्लेक्स फ्लोरो एनायंस, ठीक है, यदि ये दोनों प्लस 4 ऑक्सीडेशन दिखाएंगे तो ये सॉल्यूशन में किसकी तरह प्रेजेंट रहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बना के रहेंगे फ्लोरो एनायंस के साथ,
ठीक है, ये हो गया इसके साथ। और कहता है कि जितने भी ये आपके पास प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे, ऑल एग्जिस्ट इन ऑल एनायन, ऑल जो भी आपके पास कटायंस रहे हैं, ठीक है, ऑल कटायन इन प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर यदि हम इसके फ्लोराइड्स की देखें तो आपके पास प्लस फोर के अंदर क्या हो जाएगी, प्लस फोर के अंदर मेटल है और फ्लोराइड यदि बनाएंगे तो फोर बनेंगे। ठीक है, ये आपके पास बनता है जैसे, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है एम एफ फोर, ठीक है, यहाँ एम क्या है आपके पास, एक्टिनाइड एलिमेंट्स, एक्टिनाइड्स, मैंने एक्टिनाइड्स को AC से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक्टिनाइड्स जो है इनके जो फ्लोराइड की स्ट्रक्चर होती है सिमिलर टू लेंथेनाइड, ठीक है, लेंथेनाइड के जो फ्लोराइड्स होते हैं वो भी जो होते हैं वो इसी तरह की स्ट्रक्चर रखते हैं जैसे कि एक्टिनाइड के फ्लोराइड रखते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर जो MO2 है, जो MO2 है जलाइक आपके पास थोरियम एंड बीके, ठीक है, उनकी जो स्ट्रक्चर रहती है वो होती है आपके पास फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ओके, वो किसमें रहेंगे आपके पास, फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर। और एसिडिक मीडियम के अंदर यदि प्लस फोर कटायन है, ठीक है, यदि हमने इस प्लस फोर फॉर्म में, ठीक है, प्लस फोर फॉर्म में क्या कर ले हम, आपके पास ये मेटल्स हैं, ओके, और उनको हमने किस में डाल दिया, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको प्रिसिपिटेट किया जा सकता है, दे कैन बी प्रिसिपिटेटेड, ठीक है, प्रिसिपिटेटेड कैसे के प्रिसिपिटेट किए जाएंगे, बाय फ्लोराइड्स, यहाँ पे लिखा जा रहा है बाय फ्लोराइड, ठीक है, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट से या फिर फॉस्फेट से। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं इसको, देखिए प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज कॉमन फॉर थोरियम। ओके, थोरियम के लिए ये क्या है, कॉमन है, क्यों होती है जरा देख लीजिए कैसे होती है, कि जब हम थोरियम की क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप क्या लिखते हो, थोरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है रेंडोन, ठीक है, देन आपके पास आता है 5F, देन आता है 6D, देन 7S, ठीक है, तो थोरियम के जो केस में आप लिखते हो वो क्या लिखते हो, या तो यहाँ आपने एक इलेक्ट्रॉन लिखा हो या जीरो लिखा हो, या यहाँ 2 लिख दो, यहाँ भी 2 लिख दो, ठीक है, यदि मैं यहाँ ये ना लिखूँ कि 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप ना करूँ और F के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दूँ और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करूँ, ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यदि मैं क्या करूँ यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूँ, ठीक है, दो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती हूँ तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचती है, ओनली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई जो थोरियम है उसके लिए प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट थोरियम के अलावा आप कौन और दिखा सकता है, तो वो दिखाई जा सकती है आपके पास किसके थ्रू, जो आपके पास क्या गिवन है, पीए, ठीक है, पीए को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम एंड बीके, ठीक है, बीके क्या है आपके पास, बर्केलियम, ठीक है, इन सभी के कटायंस के थ्रू भी दिखाई जा सकती है, कब, जब वो सॉल्यूशंस में हो, ठीक है। ओके, नाउ वन मोर थिंग अबाउट दैट, अमरेशियम और जो आपके पास सीएम होता है, ठीक है, अमरेशियम एंड क्यूरियम, वो भी प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और जब वो सॉल्यूशन में होते हैं तो किस कैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, फ्लोरो कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, तो उनके अंदर जो आयन्स रहेगा वो क्या, अनायन रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लोरीन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन क्या है, कि जितने भी कटायंस प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं, चाहे वो आपके पास पीए का है, यू का है, एनपी का है, बीके का है या थोरियम का है, वो सभी की सभी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब देखिए मेटल है तो मेटल के ऊपर प्लस फोर चार्ज आया तो आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको क्या कर दिया, किसी नेगेटिव आयन से क्या कर दिया, रिएक्ट करवाया, तो F नेगेटिव से जब रिएक्ट करवाया जाता है तो मेटल फ्लोराइड की स्ट्रक्चर, जो मेटल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होती है, और इस एक्टिन इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर होती है टू द लेंथेनाइड्स। ओके, लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये था कि यदि हम क्या देखते हैं, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, MO2 को यदि देखें, ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर जो होती है, इसमें हमारे पास जो मेटल होते हैं जो MO2 की फॉर्म में दिखाई देंगे, वहां पर ये जो मेटल है आपके पास, ये जो मेटल है, ये मेटल क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, मेटल यहाँ पर हो सकता है थोरियम, ठीक है,
थोरियम टू बीके, थोरियम टू बीके तक, बैक्रेलियम तक, ओके यहाँ तक होते हैं। तो यदि ऑक्साइड्स देखा जाए उनका, तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फ्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ओके तो ये आपके पास होता है। यदि इनको प्रेसिपिटेट आउट करना है तो इनको क्या कर दो, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया जाता है और इनका क्या, ये क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं इनके फ्लोराइड, ऑक्सलेट और फॉस्फेट के थ्रू। यस नेक्स्ट जो है वो आपके पास है प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए जो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके लिए जो है आपके पास स्टेबल होती है। तो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो इसका मतलब है कि आप क्या करो, फाइव इलेक्ट्रॉन रिकाल कर देखो, जहां एम्पैटी हो जाए वो क्या आपके पास ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये जो है आपके पास ये सबसे ज्यादा स्टेबल किसके लिए पाई जाएगी, दिस वर बी स्टेबल फॉर पी ए, ठीक है ये इसके लिए स्टेबल होगी क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, फाइव, ठीक है। तो यदि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसका मतलब पी ए, ठीक है, पी ए इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल इन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में देखा जाएगा तो पीए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और जब ये प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं तो जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो ये मेटल्स होते हैं ये डाइऑक्सो कटायन की फॉर्मेशन करते हैं, एमओ टू पॉजिटिव आयन, जिसको आप क्या बोलते हो, डाइऑक्सो कैटायन। ओके डायऑक्सो कैटायंस की फॉर्मेशन करेंगे। मेटल यहाँ क्या क्या हो सकते हैं, मेटल यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं कि आपके पास कहाँ तक होंगे, यू टू लेकर यूरेनियम से लेके अमरेशियम तक। ओके नाउ ये जो आपके पास डायऑक्सो कैटायन बना है तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, स्टेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन आता है कई बार ये, द स्टेबिलिटी ऑफ डायऑक्सो कैटायन, डाइऑक्सो कैटायन इज ड्यू टू डिस, हम इसमें यहां लिखेंगे इसको, ड्यू टू डिस प्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ठीक है, उसकी वजह से ये क्या होते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की वजह से ज्यादा स्टेबल होते हैं इसके MO2 पॉजिटिव डायऑक्सो कैटायंस। देखिए कैसे होते हैं कि आपके पास जो डायऑक्सो कैटायन, लाइक मैंने मेटल ले लिया यहाँ पर यूरेनियम और उसका ऑक्सो कैटायन बनाया MO2 टू पॉजिटिव, ठीक है, जब इसको क्या किया जाता है, एसिडिक कंडीशन में डाला जाता है तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, ये फॉर्म करता है म्यू प्लस फोर, प्लस फोर फॉर्म में ज्यादा स्टेबल हो गया ना ये, ठीक है, और ये क्या फॉर्म कर देता है, म्यू टू टू पॉजिटिव प्लस में वाटर, टू मोल्स ऑफ वाटर, बैलेंस करेंगे इक्वेशंस को तो टू आ जाएगा। इसके जो कांस्टेंट आता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दैट इज 1.72 इनटू 10 रेज की पावर 6। तो यहाँ पर जो आपके पास प्लस फोर स्टेट है वो क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस यहाँ पर टेक प्लेस करती है। नाउ अगेन एक और पॉइंट जो आपके पास आप देख सकते हो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर, कि प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फ्लोरोकटाइंस में भी मिलती है, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो फाउंड इन फ्लोरो एनायंस, ठीक है, यदि फ्लोरो एनायंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फ्लोरो एनायंस देखो कौन कौन से बन सकते हैं, प्लस फाइव बनाना है हमें तो आप कैसे कैसे बना सकते हो, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से जो है हम करेंगे इसको। लाइक आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप उसको कैसे लिख देते हो, आप उसको लिख सकते हो MF6 नेगेटिव, सॉरी नॉट टू, दिस इज नेगेटिव, ठीक है, वन ही आएगा नेगेटिव। देन सेकंड जो आपके पास हो सकता है वो क्या हो सकता है, यदि मेटल फ्लोराइड 7 है तो उसमें से 2 माइनस किया तो प्लस 5 हो जाएगा, मेटल फ्लोराइड 8 है तो 3 नेगेटिव किया तो वो हो जाएगा आपके पास प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर ये जो मेटल है, ठीक है, ये जो तीनों मेटल्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ये तीनों मेटल्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ये तीनों मेटल्स यहाँ पर क्या होंगे, पीए से लेके, ठीक है, जो आपने लिखा था प्रोटेक्टियम, ठीक है, तो प्रोटेक्टियम से लेके ये कहां तक जाते हैं आपके पास, प्लूटोनियम तक, पी यू तक, ठीक है, तो यहां तक ये जो है ये मेटल्स, क्या देखो क्या होता है, प्लूटोनियम
प्लूटोनियम यदि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन देखो तो उस केस में, या फिर आप यहाँ पर ये देख लीजिए पीयू तक है, पीए से लेके चले आप जब यूरोनियम यूरेनियम के पास चले, यहाँ देखिए दिस वन इज द यूरेनियम, ये यूरेनियम है, तो यहाँ यूरेनियम के अंदर 5 था, यहाँ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यूरेनियम में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 6 में से यदि एक इलेक्ट्रॉन और चला जाए तो वो 5 बन जाएगा, ठीक है, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ऐसे ही यदि आप एमपी को देखते हैं तो उसके केस में आपके पास कितना हो जाएगा, 2 चला जाएगा, तो उस केस में आप क्या बोल दोगे, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया। ऐसे ही एक और हम यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट वन जो आपने लिखा है किसका लिखा है, प्रोटेक्टियम का, सॉरी प्लूटोनियम का, पी यू का, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन में क्या आएगा, 5d1d0 आएगा और ये आपके पास s2, ठीक है, तो यहां से भी आप देख लीजिए पीयू के अंदर भी क्या होगा आपके पास, दिस वन इज 4 के बाद आपके पास आ गया 5, तो यहां से यदि 5 to 7 है, नो नॉट इट हियर, पीयू के अंदर आपके पास आता है 6 and 2, दिस इज 6 and 2, ओके, यहाँ पे नेपच्यूनियम 1 2 3 4, 6 तो हमें लिखना ही नहीं है इसके अंदर, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा और डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ओके, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ से भी आप ये 8 हो गए तो 8 में से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये था आपके पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है आपके पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनाइड्स, ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम देखेंगे किसके अंदर, एक्टिनॉइड्स के अंदर, तो देखिए जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मोस्ट कॉमन किसके अंदर मिलती है, वो मिलती है यूरेनियम के अंदर, ठीक है, उसके बाद मिलती है नेपच्यूनियम के अंदर भी मिलती है एंड प्लूटोनियम पीयू, इन तीनों के केस में, ठीक है, इन तीनों के केस में ये जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफी कॉमन होती है, ओके, और इस स्टेट में लाइक आपके पास यदि मेटल प्रेजेंट रहेगा तो वो मेटल जो है 6 फ्लोराइड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इट एग्जिस्ट इन देयर हेक्सा फ्लोराइड्स, वी कैन राइट हियर इट एग्जिस्ट इन देयर हेक्सा फ्लोराइड, जैसे मैंने यहां पे लिखा तो लाइक आपके पास क्या हो जाएगा, यूरेनियम F6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, नेपच्यूनियम F6 हो जाएगा, पीयू F6 हो जाएगा, तो इस फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं। वन मोर थिंग अबाउट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज दैट इन सॉल्यूशन एंड सॉलिड फॉर्म, क्या है, इन सॉल्यूशन एंड इन सॉलिड फॉर्म, सॉल्यूशन और सॉलिड फॉर्म के अंदर जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज फाउंड इन द डाई ऑक्सो आयंस, ठीक है, डाई ऑक्सो आयंस में प्रेजेंट रहते हैं ये डाई ऑक्सो आयंस, ओके, लाइक कैसे प्रेजेंट रहेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा इस डाई ऑक्सो आयंस का, इसका फॉर्मूला रहेगा MO2 पॉजिटिव, वो ऑक्सोनायन के फॉर्म में मिलते थे +5 के अंदर, तो ठीक है, वहां +5 जो थे वो ऑक्सोनायन के फॉर्म में मिलते थे, लेकिन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो वो किस में मिलेंगे, डायऑक्सो एनायंस के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर मेटल आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ ये मेटल जो है ये क्या हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, ठीक है, नेपच्यूनियम हो सकता है आपके पास, ठीक है, पीयू हो सकता है एंड अमरेशियम AM, दिस वन इज लास्ट में क्या है आपके पास, यहाँ मैंने लिखा है आपके पास AM, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, लाइक यदि यूरेनियम है UO2 पॉजिटिव, यदि नेपच्यूनियम है तो NPO2 पॉजिटिव, पीयू है तो PU O2 पॉजिटिव, और लास्ट क्या है अमरेशियम AmO2 पॉजिटिव, तो ये सभी इस टाइम क्या है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कैसे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप बोलेंगे कि यूरेनियम नेप्च्यूनियम प्लूटियम अमरेशियम वो डायोक्सो अनायंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सॉल्यूशन में है या सॉलिड में है, ठीक है, तो ये था आपके पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट है आपके पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, काफी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +7 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्टिनॉइड्स की वो क्या है भाई आपके पास, बहुत रेयर है, रेयर है, ठीक है, रेयर मतलब बहुत कम मिलेगी, ओके, और मिलती भी किस में है, फाउंड
इन ऑक्सोनायन ऑफ नेपच्यूनियम एंड पीयू। ठीक है, ओके। होगा कैसे, ये कैसे आपके पास ऑक्सोनायंस जो हैं एनपी या पीयू के प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो हम बोलते हैं इट एग्जिस्ट व्हेन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ नेपच्यूनियम इज ऑक्सीडाइज्ड इलेक्ट्रिकली। यदि क्या कर दिया जाए, जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है नेपच्यूनियम का, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकली, तो आपके पास क्या हो जाता है, ये प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ जाता है और उसकी वजह से आपके पास एक सॉल्यूशन बनता है NPO5 नेगेटिव का। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपके पास NPO5 थ्री नेगेटिव का आपके पास क्या मिलेगा, एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है। ये क्या होता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन जो है आपको मिलता है। ओके, लाइक वी कैन राइट हियर लाइक दिस, आपके पास क्या है NPO5 थ्री नेगेटिव जो है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है एंड वन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, तो आपके पास क्या बन जाता है NPO4 टू नेगेटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास होता है। इसी तरह से यदि आप प्लूटोनियम को देखो, ठीक है, PU के अंदर नेपच्यूनियम में तो ऑब्टेन हो गया, यदि आप PU के अंदर देखिए प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें क्या किया जाता है, जो PuO2 होता है, PU डाइऑक्साइड और लिथियम डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाता है, एक्सपोज किया जाता है, इन दोनों के सॉल्यूशन को किस क्या किया जाता है, एक्सपोज टू एयर, इनका भी ऑक्सीडेशन ही हो जाता है एट 700 डिग्री केल्विन। ठीक, तो उसके वजह से आपके पास जो एक सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है, आपने उसको एक्सपोज किया तो आपके पास क्या मिलता है Li5, ये आपके पास मिलेगा Li5 एंड P4O5। ये सब्सटेंस किस कैसे कलर का होता है, दिस वन ऑल्सो इज ऑफ ग्रीन कलर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल सकती है। कैसे मिलेगी, कि आपने क्या किया है, एक तो हमने बोल दिया, देखो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि ये काफी रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलती है, मिलती भी है तो एनपी और पीयू के ऑक्सो एनायंस में मिलेगी। ठीक है, ऑक्सो एनायंस लाइक आपने क्या बनाया, पहले एनपी का ऑक्सो एनायन बनाया, ऐसे ही आपने क्या बनाया, ऑक्सोनायन बनाया पीयू का, ठीक है, और दोनों को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया एयर से, तो आपके पास जो मिलता है वो क्या दिखाएगा, ये जो है वो क्या दिखाएंगे आपके पास प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये था आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिन। वेल स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा है कि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उसके जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और लास्टली हमने देखा है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एक्टिनॉइड्स की। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।